Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I am so excited because recently I have ordered from Nykaa the Inside Cosmetics. मैंने एक टोकरी में सारे cosmetics जमा कर लिए हैं, मतलब सब कुछ निकाल के यहाँ पे रख लिया है. I'm so excited to use these products because I have heard a lot about Inside Cosmetics that it is very good products. सो ये मुझे पूरा जो भी जितना भी मैंने खरीदा है ना, मुझे पड़ा है लाइक 1520 rupees, और ये मेरा आज ही पार्सल आया है. सो आई एम गोइंग टू यूज़ इट ऑन कैमरा एंड आई विल टेल यू गाइज कि ये रियली वर्थ इट है या नहीं. सो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा जो फेस है उसको मॉइस्चराइज कर लेती हूँ. एंड फॉर द मॉइस्चराइजर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू यूज़ द टोनर because I just love this toner. This toner is from Plum and ये भी इतना महंगा नहीं है, कुछ 210 rupees का पड़ा है मुझे नायका से. एंड आई एम सो एक्स, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड आई हैव अ रियली आई रियली हैव अ वेरी ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा टोनर है ये. एंड आफ्टरवर्ड्स आई एम गोइंग टू यूज़ माई मॉइस्चराइजर बाय ओली. Okay, so the price of this moisturizer is a little high, like it costed me around 1800 or 1700 to 1800 rupees, I can't remember, but itna price hai iska. But this moisturizer is very good for sensitive skin like me, because it has peptides jo skin barrier ko repair karne mein help karta hai, and niacinamide as well to for the oil control. Niacinamide is one of the best product. Okay, so I've moisturized my face, and the first product I'm going to use is the Inside Cosmetics primer. And I have seen this primer a lot in other YouTube videos. It says that it's oil free, it's long lasting, it's primes, protects and moisturizes. Okay, so it's silicone based primer. I'm going to apply it on my T-zone, and जहाँ मुझे acne marks या फिर acne है, जहाँ पे open pores है. Okay, and I will let this primer sit for like 4 to 5 minutes. 4 to 5 minutes bahut zyada ho gaya, but at least 1 minute. And then I'm going to use the foundation. Mujhe bilkul idea nahi hai ki ye foundation mere shade ka hai ki nahi, aur yahan pe shade likha bhi nahi hai. Literally it has no shade written on it. Literally this one, stay matte. मैं सबके prices ना tag कर दूंगी, because अब मुझे idea नहीं है कि किसका कितना price है. So I'm going to take it. शायद थोड़ा सा dark shade है मेरे skin tone से, but let's see. मुझे कंसिस्टेंसी तो बहुत पसंद आ रही है इसकी, लाइक इट हैज़ अ वेरी ग्रेट कवरेज. मैंने एक ही पंप लिया है. आई डो नॉट नो कि मुझे कितना पंप लेना चाहिए. एंड बाय यूजिंग माय फाउंडेशन ब्रश आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट. इनसाइड कॉस्मेटिक्स लाइक इज वन ऑफ द बेस्ट नहीं बोल सकती हूँ मैं, लाइक इट्स वेरी चीप भी नहीं बोल सकते, इट्स वेरी पॉकेट फ्रेंडली. सो आई एम ब्लेंडिंग इट ऑल ओवर ऑन माय फेस. लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट. आई एम वेरी स्केर्ड बिकॉज मेरी स्किन ना मेकअप को इतना वेलकम नहीं करती है, लाइक
नए प्रोडक्ट्स और नए वेलकम को उसको नए मतलब नए प्रोडक्ट्स और नए स्किन केयर को उसको वेलकम करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए इट डू नॉट हैव एनी स्मेल, दैट इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज मतलब फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स मुझे इतने पसंद नहीं आते फॉर माई फेस. मुझे लाइक फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें बेथ एंड बॉडी वर्क्स में ही पसंद आते हैं. लाइक अगर सपोज मेरा शार जेल बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस वाला है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है. इट हाउ इट ब्लेंडेड आई डू नॉट नो, मुझे पता नहीं वो कैमरा में नज़र आ रहा है कि नहीं, बट येस प्रिटी मच वेल. आई लाइक द फाउंडेशन, आई थिंक इट्स ऑफ माई शेड. मैं एक और पंप लगाऊंगी, एक और पंप. I love the foundation a lot. मतलब ये मुझे foundation पड़ा होगा like 300 के अंडर, मुझे याद नहीं है, but I will मैं screen पे लगा दूँगी अगर मुझे price पता चलता है. मैंने उसके अभी तक boxes फेंके नहीं है और मेरे पास अभी भी invoice पड़ा हुआ है Nykaa का. So yes, okay. So I am done using this foundation. I loved the coverage, but I do not know agar camera mein ye visible hai ki nahi, but I have acne marks here and here. So I believe that it wo mujhe abhi bhi nazar aa raha hai. Koi baat nahi, aise bhi hum dekhenge ki ye concealer se cover hota hai ki nahi, but yes, I like the coverage of it. Okay, so moving on to the next product, we have the, क्या है हमारे पास, concealer. This is concealer stick by Insight Cosmetics again. It also has costed me within 300, I mean under 300 rupees वाला concealer stick है ये. मैं पहली बार कंसीलर स्टिक यूज करने जा रही हूँ, एंड लेट मी स्वॉच इट फर्स्ट ऑन माई हैंड्स. क्या विजिबल है कैमरा में? ये थोड़ा सा डार्क है मेरे स्किन टोन को ना, शायद शेड मेरा नहीं है ये, बट थोड़ा सा मैंने मीडियम शेड लिया है. And it has strong fragrance नहीं बोल सकती हूँ, मुझे इसकी स्मेल पसंद नहीं आ रही है तो मैं इसको फ्रेगरेंस तो बिल्कुल बोलूँगी नहीं, बट हाँ काम तो कर रहा है. अब इसको हम ब्लेंड करते हैं अगेन यूजिंग द सेम फाउंडेशन ब्रश विच आई हैव. यू कैन यूज़ द ब्यूटी ब्लेंडर इफ़ यू हैव. ब्यूटी ब्लेंडर भी मुझे बहुत पसंद है, बट जब से मैंने ये ब्रश लिया है ना तब से आई लाइक इट doing with the brush. मैंने ना recently एक review video बनाया था use मतलब Swiss Beauty के brushes का, और मैंने after बाद में इस brush को धोया. So इसका धोने के बाद शायद से glue जो यहाँ पे stick करने का जो glue होगा वो निकल चुका है. So I'm not going to buy this brush again. I'm going to use the professional brush only, like I have this black one. Sorry for that. And मैंने इसको कई बार धोया है but ये इतना sturdy है ना, बहुत ज़्यादा sturdy है ये, so it's a difference. Okay, और ये एक wash में ही ढीला हो गया, but yes, इसके जो ये bristles जो हम बोलेंगे इस brush के काफ़ी अच्छे हैं. Okay, so I liked the concealer as well. It's a pass for me. It has done its job, guys. मतलब बहुत अच्छी तरह से कंसील किया है मेरे दाग धब्बों को इसने. And I have a texture on my skin.
सो यस, बहुत ही बेस्ट कंसीलर निकला है ये. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, व्हाट कैन वी यूज. ओके, आई हैव दिस कंटूर स्टिक. इट्स अ कंसीलर एंड कंटूर स्टिक, कंसील कंटूर हाइलाइटर. ओके, सो ये हाइलाइटर वाला पार्ट है. मुझे पता नहीं है कि इसको कहाँ यूज़ करते हैं. लाइक थोड़ा सा शिमरी सा हाइलाइटर है, आई थॉट कि ये यहाँ, बट मैं इसको स्वॉच करूँगी. येस, इट हैज़ अ शिमरी सा इफेक्ट, सो आई कुडंट बी एबल टू यूज़ लाइक हेयर. सो लेट्स सी, हम पहले कंटूर कर लेते हैं, देन वी विल सी. This is again, this is the first time I'm using such type of contour, because मुझे powder like sugar का जो compact का compact size ये होता है, क्या कहते हैं उसे यार, contour, वो use करने की आदत है. तो nice, it's very pigmented, it's very you know, it's doing its job. थोड़ा सा यहाँ भी लगा लेते हैं. Okay, and I'm going to contour my nose now. Okay, अब हम इसको अच्छे से blend कर लेंगे. I have this contour brush, so I'm going to use this brush to contour my, and I mean blend this contour. Oh. अगेन आई लाइक द कंटूर एज वेल. मैं सच में बता रही हूँ, इट ब्लेंड्स सो परफेक्टली ऑन माई फेस. आई मीन इट लिटरली हैज मेल्टेड ऑन माई फेस. आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट दीज प्रोडक्ट्स, इट लिटरली हैज मेल्टेड. आई मीन इट्स डूइंग इट्स जॉब. आई थिंक मेरा ना जो ये फेस और ये मैच नहीं कर रहा है बिल्कुल. लाइक मैंने थोड़ा सा डार्क शेड का फाउंडेशन दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है. बिकॉज आई एम वेरी पैरानॉइड अबाउट माई स्किन टोन. मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी मीडियम स्किन टोन की हूँ, बट मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि दैट आई एम फेयर, बट मुझे नहीं लगता दैट आई एम फेयर. सो दैट इज़ वाई एंड ऑलवेज एंड अप गेटिंग समथिंग डार्क और गेटिंग समथिंग मोर लाइट. सो ओके, सो आई एम डन विद द कंटूरिंग पार्ट. नाउ इट्स टाइम टू पैक. सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज दिस कॉम्पैक्ट. वेरी नाइस पैकेजिंग, आई लव द पैकेजिंग. इट हैज स्पंज इन इट, सो हम यही स्पंज को यूज करेंगे. लाइक दिस, इट लुक्स लाइक दिस. सो मेरे अंडर आईज को करूंगी पहले पैक. बाय यूजिंग द सेम, वाओ, बहुत अच्छा पैक किया यार. Nice, I loved this product a lot. So, अब मैं ना मेरा स्टिपलिंग ब्रश यूज करके थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पैक कर लेती हूँ फेस को, बिकॉज आई हैव अ ड्राई स्किन.
ओके सो आई एम डन पैकिंग दिस. आई लव द कॉम्पैक्ट एज वेल. मतलब इट इज नॉट डिसअपॉइंटिंग मी एट ऑल. सो नेक्स्ट व्हाट वी कैन यूज. ओके सो नेक्स्ट प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू यूज इज द ब्लश. सो फॉर द ब्लश आई हैव दिस मेकअप इनसाइड मेकअप एसेंशियल्स ब्लशर जो मैंने अभी तक इसको पैकेजिंग से भी नहीं निकाला. एंड इट्स अ सॉफ्ट सैलमन शेड. इट लुक्स लाइक दिस एंड इट्स अ क्रीम ब्लश. ओके इट्स अ क्रीम ब्लश. वेरी वेरी वाओ नाइस यार. इट्स वेरी यू नो पिगमेंटेड एंड थोड़ा सा ऑरेंजिश. इट हैज़ अ स्मेल. इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्मेल. सो इफ यू आर ओके विद द स्मेल एंड फ्रेग्रेंस ऑफ द प्रोडक्ट्स देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट. अदरवाइज यू कैन यूज एनी अदर ब्लश एंड बट इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्मेल. वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल. अदरवाइज दिस प्रोडक्ट इज नाइस बिकॉज अभी हम इसे ब्लेंड करेंगे बाई यूजिंग द पाउडर ब्रश. Okay, it has done its job. I loved it. I mean, I love the क्या कहते हैं उसे. I loved the pigmentation and I love the color, soft salmon. And then I'm going to use the highlighter. And for that, this is the inside cosmetics का highlighter. Using the same only I'm going to pick this product and it do not have the smell. It is also the cream highlighter. Okay mujhe na powder highlighter ya fir compact highlighter zyada pasand aate hai as compared to gel highlighter or liquid highlighter ho gaya ya fir this. Kyunki isko blend karne mein bahut डर लगता है मुझे क्योंकि अगर ये ब्लेंड नहीं हुआ ना एक पैची सा लुक मतलब पैच नज़र आता है इसे बहुत बड़ा वाला. आई डू नॉट नो इट इज़ विजिबल और नॉट ऑन द कैमरा बट मुझे पसंद आया ये हाइलाइटर. काफ़ी सॉफ्ट है मतलब एक सॉफ्ट ग्लैम सा लुक क्रिएट हो पा रहा है हमसे. आई लव्ड इट. मुझे पता नहीं था कि इतने अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं इसके. ओके सो हमारा बेस रेडी हो चुका है. अब मैं फिक्स करूँगी बाई यूजिंग द मेकअप फिक्सर बाई इनसाइड कॉस्मेटिक्स. एंड अगेन इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्मेल. माय गॉड. ओके इट रियली हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है. ऐसी कोई परफ्यूम की स्मेल आई है लाइक जो परफ्यूम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. सो मैंने नाउ इट्स टाइम टू डू द आई. और मैंने कोई पैलेट आई शेडो पैलेट ऑर्डर नहीं किया है बिकॉज आई फॉरगॉट. सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ब्लश अगेन टू यूज़ इट ऑन माई आई लीड्स. दैट इज़ ऑल आई एम गोइंग टू डू टूडे. सो यूजिंग द सेम ब्लश आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माई आई लीड्स. Okay. It has a very nice pigment and I loved
this product a lot. इतना ही करने वाली हूँ मैं आज और कुछ नहीं. ओके और फिर मैंने ना गलती से स्विस ब्यूटी का ऑर्डर कर लिया ये आईब्रो पेंसिल. सो ये कुछ 55 रुपीस का ही है. सो आई एम गोइंग टू यूज़ इट. बहुत ज़्यादा फील हो गई है क्या? थोड़ी ज़्यादा लग रही है मुझे, बट अच्छी फील हुई है. इसके पीछे का जो स्पूली है वो यूज़ करके आई विल डिफ्यूज इट. ओके डन. एंड नाउ गोइंग टू यूज दिस मस्कारा बाय इनसाइड कॉस्मेटिक्स. मुझे इट सेज इट्स नो इट्स नॉट इनसाइड कॉस्मेटिक्स, सॉरी गाइज, इट्स ब्लू हेवन का मस्कारा. आई एम सो सॉरी, सो सॉरी. मैं इनसाइड कॉस्मेटिक्स का मस्कारा नहीं लिया है, ब्लू हेवन का मस्कारा है. बट इट्स अगेन इट्स वेरी चीप. सो लेट्स यूज़ इट, लेट्स फाइंड आउट हाउ इट वर्क्स. एंड इट्स कॉस्टेड मी जस्ट ₹90. सो मुझे मेरे इतने अच्छे एक्सपेक्टेशंस है भी नहीं इस मस्कारा से. आई थिंक मुझे ना पहले लिपस्टिक लगा लेनी चाहिए. यस ओके सो वन मोमेंट गाइज, आई एम बैक अगेन. ओके सो मैं पहले ये लगाऊंगी मेरा लिप बाम. एंड देन आई एम गोइंग टू यूज द लिपस्टिक विच आई हैव बॉट. इट्स फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स. मैंने थोड़ा सा डार्क शेड ऑर्डर किया है. इट्स शेड डिवाइन वाइन. सो लेट्स फाइंड आउट. आई बिलीव इट्स वाइन शेड. सो लेट्स फाइंड आउट हाउ इट इज. इट्स वेरी पिगमेंटेड. I love this shade a lot. I mean, ये मेरा सबसे पहला, मुझे लिपस्टिक बहुत पसंद आई. इट सेज इट्स नॉन ट्रांसफर लिप कलर. लेट्स फाइंड आउट. और ये लिक्विड लिपस्टिक है और लिक्विड लिपस्टिक्स डोंट लाइक एट ऑल बिकॉज बहुत ज़्यादा ड्राइंग लगती है लिप्स पे. सो आई हैवेंट ऑर्डर्ड दी क्या कहते हैं उसे, मैंने लाइनर ऑर्डर नहीं किया. सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस लिपस्टिक टू क्रिएट एन आई लुक. लेट्स फाइंड आउट हम कर पाते हैं कि नहीं. अगर नहीं कर पाए सो प्लीज़ मैं पहले ही सॉरी बोल के रख देती हूँ. सो जस्ट वी आर गोइंग टू टेक दिस फ्रॉम हियर. थोड़ी सी ना डार्क है और लाइनर थोड़ा सा लाइट हो, मतलब I need something. कुछ चाहिए रहेगा मुझे. इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा है ना कि पता नहीं मैं लाइनर क्रिएट कर पाऊँगी कि नहीं, बट वी विल सी. ओके ठीक ठाक तो कर ही लिया है क्रिएट. ये वाली आँख करनी बाकी है. मुझे लगता है कि ये वाली थोड़ी सी ज़्यादा डार्क हो गई. सो मुझे लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद आई है. आई लव द शेड अ लॉट. मुझे दांत में लग जाती यार. हाँ मुझे बहुत पसंद आई है लिपस्टिक. आई मीन मेरे पास जीवन में ऐसा कभी शेड था नहीं. ओके नाउ इज़ द टाइम टू अप्लाई द मस्कारा. और गाइज लेट मी टेल यू कि ये मस्कारा जो है वो ब्लू हेवन का है, नॉट फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स. और मुझे कोई अच्छे उम्मीदें है भी नहीं इस
Not at all. Not at all. I didn't like the mascara at all. भी सूखता भी नहीं है. Maybe it has done a good job, I guess. So I am done with the look, you guys. One moment, please. ये ना मैंने क्रीज पे जाके अटक चुका है. I love the look. मतलब मुझे पसंद आए ये प्रोडक्ट्स इनसाइड कॉस्मेटिक्स के. सो आई एम गोइंग टू यूज़ इट. मुझे लगा कि मुझे फेंक देना पड़ेगा इस वीडियो के बाद, बट नो, इट लिटरली हैज़ डन वेरी गुड जॉब. सो मैं वन लास्ट टाइम ये यूज़ करूँगी फिक्सर टू फिक्स माई मेकअप. इट हैज़ रियली स्ट्रॉन्ग स्मेल. सो दिस इज़ माई होल लुक. आई थिंक मुझे ये लुक बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है जो मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स यूज़ करके क्रिएट किया है. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. आई रियली लव द प्रोडक्ट्स. बस मुझे ना ये मस्कारा पसंद नहीं आया. एंड इट्स नॉट फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स, इट्स फ्रॉम ब्लू हेवन. बट बाकी लिपस्टिक इज़ ऑन पॉइंट एंड फाउंडेशन इज़ ऑन पॉइंट. बट मुझे बस मेरे शेड, बिकॉज माई शेड इज़ क्वाइट लाइट, सो मुझे लगता है थोड़ा लाइट शेड का फाउंडेशन मुझे लेना चाहिए था. एंड कंसीलर वॉज ऑल्सो ऑन पॉइंट एंड द काउंटर पार्ट इज़ ऑल्सो ऑन पॉइंट. सो लेट्स फाइंड आउट कि मतलब मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में वगैरह कि ये मेकअप कितना स्टे किया मेरे फेस पे. मतलब इतने कम प्राइस में वी जस्ट कांट एक्सपेक्ट दैट इट विल स्टे, इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग एंड इट विल स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई जस्ट कैन नॉट प्रोमिस दैट, बट लेट्स फाइंड आउट. And thank you so much for watching my videos. If you like this video, please give a big thumbs up and share with your friends who loves to do makeup like me. And please do subscribe to my channel. And shall mere daanton mein lipstick lag gayi. No. And yes, please follow me on Instagram. If you want, you can follow me on Instagram. If not, then it's okay. Then thank you. Bye bye. Take care.